अभी हमारा आज जो अभी जो थंडरस्टॉर्म आप जो बोल रहा है, इसमें थंडरस्टॉर्म का साथ ही इंटेंस स्पेल बारिश हो रहा है, बट ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश पूरा डे में नहीं का है, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का ही बारिश है। पिछले 24 घंटा में आज हमारा जो बारिश हुआ है, इसमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ ही बारिश हुआ है। ओलांडा सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में हाइस्ट रेनफॉल हुआ है 87.4 मिलीमीटर। उसके बाद रीमाल देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 80.0 मिलीमीटर, दारिंगबाड़ी में 72.0 मिलीमीटर, हमारा भुवनेश्वर सिटी में कल 2.0 मिलीमीटर रेनफॉल था, जो लाइट रेनफॉल है। अभी स्टेट एवरेज जो रेनफॉल था वो वीक मानसून कंडीशन ही है, क्योंकि हमारा स्वाभाविक होता है 10.4, 3.2 मिलीमीटर बारिश केवल हुआ है, स्कैटर्ड वे में ही बारिश था। आज भी हमारा स्कैटर्ड वे में ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ बारिश रहेगा। अभी हमारा मानसून ट्रॉफ नॉर्थवर्ड लोकेशन में है, तो बारिश अगला दो दो दिन में ज़्यादा होने का चांसेस नहीं है, बट ग्रेजुअली अभी स्लाइटली इम्प्रूव करेगा भी इंक्रीज करेगा बारिश। तो 23rd से 25th हमारा बारिश मेनी प्लेसेस में रहेगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहेगा और हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके रहेगा। सीजनल का बारिश का भी जो स्थिति हमारा है, 1 जून से आज हमारा 21 अगस्त तक टोटल बारिश हुआ है 739.8 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 811.9 मिलीमीटर, तो स्वाभाविक से 9% कम है, बट स्वाभाविक रेंज में ही है। बोध झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्वाभाविक से ज़्यादा बारिश हुआ है, एक्सेस हुआ है। 17 जिला में स्वाभाविक है और 11 जिला में स्वाभाविक से कम हुआ है। ये मेनली हमारा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट, जगत सिंहपुर, कटक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, पुरी, गंजाम, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में अभी डेफिशिएंसी है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में बट मार्जिनली है। और 4 डिस्ट्रिक्ट्स कालाहंडी, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट, ये इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश कम हुआ है स्वाभाविक से। अभी बारिश थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का जो है मेन यही प्रॉब्लम ये है, वार्निंग हमारा है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ और एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल भी है। अगला 5 दिन ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है और हैवी रेनफॉल 23rd से 25th तक एक दो जगह करके होने का चांसेस है। हमारा कल भी एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हमारा हो सकता है।